He's been very honest. He is everything. He is supporting. He has taken our counsel. We really appreciate that. We need officers like that. Sikhan Gosha. आ जाओ। मैं मोहम्मद वसीम खान आज राजा सिंह के बस कंप्लेन करने के लिए आया था यहाँ पर, जो हैदराबाद का पूरा अमन माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये गोशा महल का एमएलए जो हमेशा मुसलमानों का हक करता है, और इसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए थे आज बंजारल पीएस से हम लोगों ने कंप्लेंट की है। और सबसे मुतालबा ये है हमारा के सी आर साहब से, महमूद अली साहब से मुतालबा ये है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द, वरना मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और इसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे। हम लोग के सी आर साहब के घर का घेराव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिलाद कमेटी की जानिब से बंजारा हिल पुलिस स्टेशन आए हैं, जो के राजा सिंह के ख़िलाफ़ कंप्लेन दे रहे हैं। राजा सिंह साहब जो गोशा महल के एमएलए हैं, जो हमेशा मुस्लिम सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमेशा मुस्लिम रिलीजियस के खिलाफ हट के स्पीच देते हैं, पर वो नहीं देना चाहिए। वो अच्छे हैं पर स्पीच क्या देते, वो कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्पीच दे रहे हैं वो गलत हैं। सूफ़ी ख्वाजा गरीब नवाज खुदला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो स्पीच दिए हैं, मुस्लिम सेंटीमेंट के साथ जो खेले, वो हमारे दिल के लिए बहुत हर्ड है। हम किसी सूफी जो इस्लाम को इराक से जो लेके आए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके खिलाफ़ जो बात करना है वो सरासर गलत है। उसके खिलाफ़ उनको वो जो भी फील रिमार्क करे हैं वापस लेना चाहिए। अगर वो वापस नहीं लिए हैं उनके खिलाफ़ FIR बुक करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि दूसरे पार्टीज़ के MLA से दूसरों के खिलाफ़ FIR बुक किया जा रहा है, वाई नॉट राजा सिंह के खिलाफ़ किया जाता भाई? दूसरे भी पार्टी के MLA कुछ रिमार्क करें तो इमीडिएट FIR बुक कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ़ भी आप FIR बुक करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और दूसरों के रिलीजियस के फील से हट नहीं करने के लिए हमें उनको सबक सिखाइए। नवाज कुबला रहमतुल्लाह जो अजमेर में दरगाह है, हर रिलीजियस के लोग आते मानते हैं उसको, हर जगह के हिंदू रहेंदू मुस्लिम रहेंदू कृष्ण हर रिलीजियस के लोग वहाँ से फैस पाते हैं। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट कर पुलिस से जो आज बंजारा हिल सर्कल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सीवी आनंद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, महेंद्र रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूर अमन माहौल को ख़राब करने वालों के खिलाफ स्टिक से स्टिक एक्शन लीजिए। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आज पूरे शेखपेट एरिया के जितने भी कॉलोनीज के हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से और जनरल सेक्रेटरी से, मिलाद कमेटी टोली चौकी है, हमारे हकीम पेट के दोस्त अहबाब पूरे मिलकर आज जुमे की नमाज़ के बाद जो है सो एहतजाज के लिए हम लोग PS आए और जो है सो कंप्लेन रजिस्टर्ड करें। जो नामू से आका के ख़िलाफ़ नुपुर शर्मा ने की है, जो गैर गलत बातें की है प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में, जो एक टीचर है, एक वर्ल्ड के सबसे टीचर जिनके मुकाबिल दुनिया में कायनात में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ना कोई थे, ना कोई आपकी बराबरी कर सकते हैं, ना कोई आप जैसे हैं, तो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान खतयन बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। और हम लोग यहाँ पर आकर बंजारा हिल PS में नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज किए हैं, कंप्लेंट फाइल किए हैं। हमारे SHO साहब का और हमारे SI साहब का बहुत अच्छा रिस्पांस था, यहाँ पर इमीडिएट जो है सो कंप्लेंट जो है सो फाइल किए हैं और हम लोग को आउटवर्ड भी जो है सो रिसीव दिए हैं, ऑनलाइन जो है सो एक्नॉलेजमेंट भी दिए हैं। और राजा सिंह जो MLA गोशा महल है, जो हमेशा भड़काऊ भाषणा देते हैं, जो एक कमेटी को टारगेट करते हैं, जो एक मेरे हिसाब से इन्हों इंडियन भी नहीं कहलाते, अगर इंडियन सच्ची मोहब्बत इंडिया के जो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंडियंस होता, वो हर मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से भाईचारे की मोहब्बत जो है सो साथ में लेकर चलता है। किसी के भी मज़हब के टीचर्स को या फेमस पर्सनालिटीज़ को हट नहीं करते, तो वो असल में इंडियन कहलाता है। बट राजा सिंह जो है सो जो टारगेट किए हैं ये खतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम लोग राजा सिंह के खिलाफ भी हमारे मोहम्मद वसीम साहब हैदर साहब के नाम से कंप्लेन दर्ज कराए हैं और वो भी एक्नॉलेजमेंट हम लोग को मिल चुका है। नामू से आखा पर अगर बात आएगी तो हम अपनी माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान,
अपनी माल सब कुछ निछार कर देंगे, पर आका की नामूस पर जब बात आएंगी सब कुछ निछार करते हुए आका की शान में हम गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक हमारे लिए उम्दा नबीना है, एक हमारे लिए बेस्ट ऑफ द टीचर है। अपने को ऐसे ऐसे टीचिंग दिए हैं कि जब 1400 साल पहले किसी के घर में बच्ची अगर पैदा होती तो वो बच्ची को जिंदा गाड़ दिया करते थे लोग, इतनी जहालियत थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तरीक़ा, औरत की इज्जत बताई है, बच्ची की इज्जत बताई है, अदब एहतराम छोटे बड़ों का बताया है। और अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसके मर्द के साथ, उसके शोहर के साथ वो औरत को भी जिंदा जला दिया करते थे। उस दौर में, दौरे जहालत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो अपने को पैगाम दिया है, औरत का मुकाम बताया है, बच्चियों का मुकाम बताया है, वो हमारे लिए बेस्ट टीचिंग है। और नपूर